मामला फतेहपुर जनपद के हथगाम नगर पंचायत का है, जहां की रहने वाली गुड़िया देवी पत्नी स्वर्गीय रविशंकर मौर्य ने बताया कि मेरे पति का कई वर्ष पहले देहांत हो गया। मेरे परिवार में कमाने धमाने वाला कोई नहीं है। मेरी बड़ी बेटी प्रीति मौर्य जो शादी के योग्य है, जिसकी शादी करने हेतु मैंने अपनी पैतृक जमीन से एक प्लॉट चौड़ाई 15 फीट व लंबाई 60 फीट उमेश कुमार पुत्र श्रीराम सुहान के हाथ बेची है। मुझे तहसील खागा बेनामा के बाबत लेकर गए, जहां पर फर्जी तरीके से मेरी संपूर्ण जमीन बेनामा करवा ली गई। जब मुझको इसकी जानकारी लगी तो मैंने बेनामा की द्वितीय कॉपी निकलवाई तो उसमें साफ स्पष्ट हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया। जब मैंने क्रेता उमेश कुमार से बात की तो वो मुझको ही धमकाने लगे और इतना फर्जी तरीके से बेनामा कराया कि बेनामे जो गवाह लगे हैं मेरी तरफ से, मैं उनको जानती व पहचानती ही नहीं। हद तो तब हो गई जब मैंने बेनामे की फाइल में विक्रेता का जो मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है वो भी किसी और का दर्ज है, और जब मैंने इसकी लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक को दी तो उन्होंने जांच की बात कही। आज दिनांक 30 सितंबर को राम दल संगठन के अध्यक्ष आगेंद्र कुमार साहू के साथ नायब तहसीलदार ओम प्रकाश चौधरी से मिली तो उन्होंने कहा कि जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वंदे भारत न्यूज चैनल के माध्यम से बात करते हुए पीड़ित ने शासन व प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वंदे भारत से नाजिया परवीन की खास। नमस्कार दोस्तों, वंदे भारत लाइव न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं गुलाब सिंह यादव फतेहपुर जनपद के खागा तहसील से क्राइम संवाददाता। दोस्तों आज मेरी मौजूदगी हदगाम नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 तेहीपारा में है, जहां की रहने वाली गुड़िया देवी जिनकी जमीन ऑन रोड है, उसको इनको जरूरत थी, लड़की की शादी करना था, तो इन्होंने 15x60 उसमें जमीन का हिस्सा बेचा था, जिसको जालसाजों ने फ्रॉडगिरी करके, ये गुड़िया देवी का कहना है कि फ्रॉडगिरी करके हमारे साथ छल करके उन्होंने हमारी पूरी जमीन को बेनामा करवा लिया है। और जब इनको लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है तो ये अधिकारियों के पास जा करके न्याय पाने के लिए चक्कर काट रही हैं। आइए मैं जानकारी लेता हूँ गुड़िया देवी से, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। गाँव कौन सा है? हदगाम। थाना कौन सा लगता है? हदगाम। क्या मामला क्या है आपका, जमीन का क्या विवाद है? हमारा जमीन का विवाद 15x60 का मैंने बेचा है अपने बेटी की शादी करने के लिए, इसके बाद वो 1 बीघा पूरा लिखवा लिया है। कौन लिखवा लिया है? उमेश कुमार। आपकी शादी होनी थी जी, तब जमीन बेची गई है जी, तो बैनामे के टाइम पे आप भी गई थी क्या? जी हम भी गए थे। तो क्या था मामला, ये पूरा कैसे क्या हुआ? हमने बाहर ही खड़ा रखा, अंदर नहीं ले गया, और हमने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया कि बैनामा अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ अंदर ही होता है। उस वक्त हमारे चाचा जी मौजूद थे गोकरण मौर्य, जिनके कहने पर ही हम ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने बाहर ही कराया। बाहर ही उन्होंने सिग्नेचर भी करवाए और हमें पढ़ने के लिए 15x60 का कागज दिया गया, जिसमें साफ साफ लिखा था 15x60, और अंदर जाने के बाद उन्होंने कागज बदल दिए, धोखाधड़ी से पूरा करवा लिया, पूरा जितना जमीन था पूरे लिखवा लिया अपने। हाँ, नाम पूरा लिखवा लिया। ये बैनामा किसने करवाया है, लिया किसने? उमेश कुमार ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? विधौतपुर। अच्छा, विधौतपुर के रहने वाले हैं जी। तो इन्होंने धोखाधड़ी से आपकी पूरी जमीन कब्जे में ले लिया जी। कब्जा हुआ कि नहीं जमीन में? अभी कब्जा नहीं हुआ है, सिर्फ कागज में अपना बैनामा करवा लिया जी। तो आप फिर इसके शिकायत कहीं SDM साहब को या नायब तहसीलदार साहब को कहीं इसकी शिकायत की आपने? जी, SP सर के पास गए थे, उन्होंने बस इतना ही कहा कि कार्रवाई होगी। उसके पहले हम एक दिन SP सर से मिलने गए थे तो उनके PRO से बात हुई थी जी। उन्होंने तहसीलदार यहाँ फोन किया था चौकी में खागा में, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं बोलते हैं कल आओ परसों आओ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हम फिर कल गए मिलने के लिए SP सर से, तो उन्होंने कहा सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक उनका कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उधर की तरफ से जी। तो अब आप वंदे भारत TV न्यूज चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? हुई कि हमारी पूरी जमीन को बैनामा कर लिया गया और हमारे साथ छल किया गया, हमारे साथ फ्रॉडगिरी की गई, कैसे जानकारी हुई? हमें लोगों के थ्रू जानकारी मिली कि हमारा जो है, हमने 15x60 बेचा था, वो हमारा पूरा बीघा लिखवा लिया गया। जब हमने उसकी प्रति निकलवाई निकाला तो उसमें हमने देखा कि जहाँ पे हमारा नंबर होना चाहिए मोबाइल नंबर, वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर ना हो करके किसी और का मोबाइल नंबर, मतलब कि आपका मोबाइल नंबर ना दर्ज हो करके वहाँ किसी अपरिचित अन्य व्यक्ति का उस फाइल में नंबर दर्ज किया गया, मोबाइल नंबर है ये जानकारी हुई, जिसे हम जानते तक नहीं। और उसमें जो भी गवाह है, ना ही वो हमारे जाति के हैं, ना ही बिरादरी के, हम उन्हें जानते तक नहीं हैं। जिसमें गवाह में है श्याम बाबू यादव और राजदीप यादव जी,
हम उनको आज तक नहीं देखे ना ही हम उन्हें जानते हैं। तो ये गवाही उधर से दिए होंगे ना जिसने जमीन लिया है कि आपकी तरफ से गवाही दिए हैं? हमारी तरफ से भी गवाही दिए हैं यही लोग जिन्हें कि हम आज तक नहीं देखे ना ही हम उन्हें जानते हैं। मतलब कि जो उसमें बैनामे में गवाह गिर होते हैं मतलब प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष विक्रेता और विक्रेता के, तो विक्रेता आप हैं तो आपके जो आपकी तरफ से जो गवाह लगे हैं जिन्होंने गवाही दी है वो आपके परिचय के ही नहीं है? नहीं, हमने उन्हें आज तक नहीं देखा, हम उन्हें जानते भी नहीं है। और फिर भी उनकी उनसे आपकी तरफ से गवाही दिलवा दी गई है? जी। तो आपके साथ कोई जेंट्स नहीं गया था क्या? गए थे, गोकरण मौर्य हमारे चाचा जी हैं। अच्छा। और जब हमने अंदर जाने की जिद की कि हम भी चलेंगे तो उन्होंने बोला कि हड़ताल है, वहाँ किसी का जाना भी अलाउ नहीं है। अच्छा, जब हड़ताल है तो बैनामा कैसे हो रहे हैं बेटा? पता नहीं, इस बात का ऑब्जेक्शन हमने किया था लेकिन बोले जिसका बैनामा है तो सिर्फ दो ही व्यक्ति जा सकते, एक क्रेता दूसरा विक्रेता बस। अच्छा, तो अंदर फिर आपकी माता जी गई होंगी? जी, सिर्फ माता जी गई थी। अच्छा, तो गोकरण कहाँ है, तुम्हारे चाचा जो साथ में गए थे वो कहाँ है? जी वो है यहीं पर मौजूद है। आपका नाम है गोकरण जी? आप गए थे उस समय बैनामे के टाइम? गए थे। तो कैसे बैनामा कैसे करवाया, ये श्याम आपको कैसे मिल गए ये लोग जो जमीन खरीदे हैं? ये हमारे खेत वेत जोतने आते थे जी, तो उसी में। कौन खेत जोतने आता था? जिसका हुआ है उसको ही जोता है कई बार। नहीं, खेत जोतने कौन आता था? श्याम बाबू। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जयमालपुर। अच्छा, फिर आपकी इनसे मतलब मुलाकात हुई? हाँ, तो बोल रहे थे हमें जमीन प्लॉट चाहिए जी, हम लेंगे जी। तो हम कहें ले लो, फिर बाद में जब हमारा सब कुछ हो गया तो बाद में कह रहे हैं दूसरा कोई लोग लेगा। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे जब बैनामा तो गाड़ी पे बुला के साइन वाइन करवाए, फिर इसके बाद दिखाए गए हमें रियल प्लॉट 15x60 के। अच्छा, जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए जिसमें साइन कराए गए, हस्ताक्षर कराए गए, उसमें 15x60 ही दर्ज थी जमीन। उसके बाद फिर कैसे क्या हुआ? उसके बाद इनको अंदर ले गए हमारी भतीजी और हमको बाहर बैठा दिया गया, आप नहीं जा सकते। अंदर किसको लेके गए थे? अंदर सिर्फ हमारे भाभी जी को लेके गए। अच्छा अच्छा। फिर आप जब वहाँ से आए तो आपको जानकारी हुई? हमको अब जानकारी हुई जब, तब हम वहाँ से निकलाए, फिर पता किए हैं।